नमस्ते, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण यानी फूड से न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ। और इस विषय में सिलेबस के अनुसार हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड चैप्टर अभी चल रहा है। थर्ड चैप्टर है स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स, और कॉमन फूड्स में थोड़े बहुत भोज्य पदार्थ हमने कवर कर लिए हैं। और अभी जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था दूध और दूध के पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसी का कंटिन्यू पार्ट है ये। दूध यानी मिल्क का कॉम्पोजिशन यानी संगठन, दूध का संगठन, मिल्क का कॉम्पोजिशन, वो मैंने पिछली बार बता दिया था कि दूध में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल होते हैं, वो सारा पिछली बार बताया था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टर्न पे मैं मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध के पदार्थ लूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है दूध से बने पदार्थ यानी मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत तरह के होते हैं जो कि सिर्फ दूध से ही बनते हैं। पहला है संपूर्ण दूध, होल मिल्क। होल मिल्क संपूर्ण दूध का मतलब ये है कि दूध में जो प्राकृतिक पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसका संगठन प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे ही गाय या भैंस या बकरी उससे दूध के लेके आते हैं, तो जो उसका कॉम्पोजिशन है वैसा का वैसा ही अगर हम लेते हैं उसको यूज़, तो हम उसे होल मिल्क कहते हैं। मतलब ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व प्राकृतिक रूप में होते हैं, हम उससे कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो वो जो नेचुरल दूध है जिससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो होल मिल्क यानी संपूर्ण दूध कहलाता है। दूसरा है वसा रहित दूध, हम इसको स्प्रेटा दूध भी कहते हैं और स्किम मिल्क भी कहते हैं। स्किम्ड मिल्क आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, स्किम मिल्क, क्योंकि वसा रहित, हम इसमें से मलाई हटा लेते हैं, फैट हटा लेते हैं। तो घरों में भी हम आज जैसे दूध गर्म करते हैं, मलाई ऊपर आ जाती है और दूसरे दिन पीते हैं, तो मलाई को हटा के ही पीते हैं। वो मतलब स्वस्थ रहने के लिए भी सही है, ज़्यादा फैट हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। हालांकि उसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए और डी, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वसा एक्स्ट्रा नहीं जाता है। तो जो वसा रहित दूध है, स्किम मिल्क, उसको सब फैट जो है उसका, जितनी मलाई जितना वसा है वो रिमूव कर दिया जाता है, सारी वसा उसमें रिमूव कर दी जाती है, लेकिन 0.05 से 0.1% फैट उसमें रहने दिया जाता है। सारी वसा हटा के 0.1% फैट तक उसमें रहने दिया जाता है। और इसी कारण से सारे विटामिन ए और डी जो फैट सॉल्युबल है वसा में घुलनशील, वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन ये इजी डाइजेस्टिबल होता है, ये हमारे शरीर में बहुत आसानी से पाचनशील होता है, क्योंकि इसमें वसा नहीं होता, इसलिए ये बेहद पाचनशील दूध कहलाता है, वसा रहित दूध, फैट लेस मिल्क। तीसरी तरह का है परिष्कृत दूध यानी टोन्ड मिल्क। परिष्कृत दूध या टोन्ड मिल्क जो है वो हम उसको डेयरी वाले दूध को भी कहते हैं। और परिष्कृत दूध में जो स्किम मिल्क होता है, ये वाला वसा रहित दूध जो अभी मैंने बताया सिर्फ 0.1% फैट होता है, तो जो स्किम मिल्क है उसमें भैंस का दूध इतना मिलाया जाए कि वो उसमें 3% तो वसा हो जाए और 8.5% ठोस पदार्थ हो जाए, तो हम उसको टोन्ड मिल्क कहते हैं। और अगर हम इसको डबल टोन्ड कहेंगे, तो डबल टोन्ड के लिए भैंस का दूध इतना मिलाया जाए कि वसा सिर्फ 1.5% हो और ठोस पदार्थ 9% होते हों। जो परिष्कृत दूध टोन्ड मिल्क होता है उसमें वसा नहीं है, स्किम मिल्क में वो हमने ले लिया, लेकिन उसमें भैंस का दूध इतना मिलाया जाता है कि वसा रहित में तो 0.1% तक ही वसा होता है, लेकिन जो टोन्ड मिल्क है उसमें भैंस का दूध इतना मिलाया जाता है कि वो 3% तक वसा आ जाती है उसमें और 8.5% तक ठोस पदार्थ हो जाते हैं।
वो तो टोंड मिल्क होता है, लेकिन अगर इसी को ही डबल टोंड बनाया जाए, डबल टोंड में भैंस का दूध इतना मिलाया जाता है कि 1.5% फैट हो जाए, मतलब फैट थोड़ा और कम कर देते हैं और सॉलिड्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 9% ठोस पदार्थ उसमें विद्यमान रहते हैं। चौथी तरह का जो दूध है वो है वाष्पीकृत दूध, इवेपोरेटेड मिल्क। वाष्पीकृत दूध में 3/4 पानी, मतलब 1 किलो अगर दूध है तो उसमें 3/4 किलो जो पानी है वो, मतलब दूध में तो 80-90% पानी है, तो 3/4 पार्ट उसका उड़ा दिया जाता है, मतलब गर्म करके उसको वाष्पीकृत कर दिया जाता है पानी को। और उसके बाद अभी मैंने कहा विटामिन ए और डी कम हो जाते हैं, तो फिर विटामिन डी को फोर्टिफाई किया जाता है, प्रबलीकरण, मतलब जैसे वो सरकार करती है, सरकार के उसमें जो दूध पैकेट्स में और ये बन के आते हैं तो उसमें विटामिन ए और डी अगर कम है तो वो मिल्स में जहाँ बनती है, जिन फैक्ट्रीज में ये बनते हैं, पैक होते हैं, वहाँ विटामिन डी ऊपर से, मतलब आर्टिफिशली उसमें ऐड कर दिया जाता है, और फोर्टिफिकेशन यानी प्रबलीकरण की क्रिया से जो पानी उड़ा और विटामिन डी ख़त्म हुआ तो वो विटामिन डी उसमें डाल दिया जाता है। विटामिन डी से फोर्टिफिकेशन करने के बाद में इसको समांगीकरण किया जाता है, मतलब दूध को बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, यानी समांगीकरण किया जाता है, पूरा मिक्स कर दिया जाता है। समांगीकरण करने के बाद में पूरा मिक्स हो गया वो, उसके बाद में उसको निसंक्रामित किया जाता है, कोई बैक्टीरिया कीटाणु उसमें हो तो उसको 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए वापस से गर्म किया जाता है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए दूध को वापस से गर्म किया जाता है, जिससे कि वो निसंक्रामित हो जाए, उसमें कोई भी कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया ना रहे। उसके बाद में हम इसको ठंडा कर देते हैं, और ठंडा करने के बाद में उसको डब्बे में भर दिया जाता है और वो इवेपोरेटेड मिल्क कहलाता है। लेकिन जब डिब्बे में भरते हैं तो कई बार वो ब्राउन कलर तक भी हो जाता है, क्योंकि आप देखो दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो वो क्रीम कलर और थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का भी हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें स्मेल बहुत अच्छी आती है, उसकी गंध बहुत अच्छी बढ़ जाती है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसमें गाढ़ा मीठा दूध, कंडेंस्ड मिल्क। आपने कभी देखे होंगे छोटे छोटे डिब्बे में भरे हुए आते हैं बहुत गाढ़ा सा दूध, कंडेंस्ड मिल्क या फिर गाढ़ा मीठा दूध। गाढ़ा मीठा दूध में भी जो दूध को हम बहुत अधिक गर्म करते हैं और पानी को उड़ा देते हैं, यानी एवेपरेट कर देते हैं, पूरा गाढ़ा कर देते हैं, वो इतना गाढ़ा हो जाता है, लेकिन दूध खराब हो सकता है अगर अकेला रहे वो, लेकिन अगर हम उसको प्रिजर्वेशन की दृष्टि से यानी संरक्षण की दृष्टि से अगर उसमें हम 40% शक्कर डालते हैं तो वो सुरक्षित रहता है, मतलब वो जितना, अगर 1 किलो है तो उसमें 400 ग्राम अगर शक्कर डालते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। हम मतलब एक फिक्स अमाउंट डेज तक कि भाई 1 महीना या 6 महीना उस अनुसार हम उस दूध को रख सकते हैं, गाढ़ा करके पानी हट गया, गाढ़ा हो गया, लेकिन उसमें 40% शक्कर मिलाई जाती है जिससे कि वो सुरक्षित हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में हम उसमें वापस से विटामिन डी यानी प्रबलीकरण के द्वारा, फोर्टिफिकेशन के द्वारा कर दिया जाता है, विटामिन डी हो गया, चीनी हो गई, और उसके बाद में जो दूध बनता है कंडेंस मिल्क वो बहुत पौष्टिक दूध होता है, लेकिन वो इतना गाढ़ा होता है कि बच्चों को उसको नहीं पिलाना चाहिए, बूढ़ों को नहीं, क्योंकि वो उसको पचा ही नहीं पाएंगे, डाइजेस्टिबल नहीं होता है। लेकिन उससे व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे उस दूध को आप एकदम टिन को तोड़ के और निकालोगे तो वो मतलब बिल्कुल जैसा अपना मावा होता है, मावे से भी ज़्यादा मीठा, क्योंकि चीनी भी डली हुई है, तो आप उसमें कुछ भी ऐड करके उसमें केक बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें बन सकती है इस गाढ़े मीठे दूध से। नेक्स्ट है पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुराइज्ड मिल्क। पाश्चुराइज्ड मिल्क जो है
जो हम डेयरी दूध से पैकेट्स लाते हैं वो पाश्चराइज्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको एकदम काट के और पी भी लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही गर्म करके ठंडा करके रखा हुआ होता है। हालांकि फिर भी हमको गर्म करना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन अगर हम उसको काट के एकदम पी भी लेते हैं तो भी इतनी कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। पाश्चुरीकृत दूध जो है उसमें इन्होंने इस तरह से बनाया है कि जैसे कोई भी अलग-अलग कारण से जीवाणु पनप सकते हैं। अलग-अलग कारण मतलब जो आदमी उसको धो रहा है उसके हाथों के कारण, उसके बर्तन के कारण, या फिर उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, या फिर जानवर को आप उसने धोया नहीं है उसके थनों को, और या फिर उसके हाथ को नहीं धोया, तो मतलब कई सारे कारण हैं ऐसे जिससे कि वो जो दूध निकला है वो हो सकता है जीवाणु युक्त हो गया हो, और उसको वो दूध जो है हम उसको दूषित दूध मानते हैं। अगर अलग-अलग जगह से दूध आ रहा है, भाई अगर डेयरी वाले दूध हमको देते हैं तो कोई एक घर का तो होता नहीं है, वो पूरे गांव का, तो गांव से अलग-अलग घरों से या फिर जहां से भी मतलब जो बहुत सारे गाय भैंस रखते हैं वहां से आ रहा है, तो बहुत सारे लोग उनको दूध को निकालते हैं, तो पता नहीं कैसी कंडीशन हो, तो वो दूध जो है सरकार उसको दूषित मानती है। दूषित मान के उसको क्या करती है कि पाश्चराइजेशन की क्रिया करवाती है, और पाश्चुरीकरण की क्रिया करने से जो दूध बनता है वो स्वच्छ जीवाणु रहित दूध बनता है। वो जो दूध अलग-अलग जगह से आया है वो दूषित है, पाश्चुरीकरण की क्रिया से वो स्वच्छ जीवाणु रहित दूध बन जाता है। कैसे बनता है पाश्चुरीकरण की क्रिया? इसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए उसको गर्म किया जाता है। दूध को इस तरह से गर्म करते हैं और उसके बाद में समांगीकरण करके मतलब होमोजेनाइज करके और फिर थैलियों में पैक कर दिया जाता है, और वो डेयरी से और जो दूध लेके आते हैं वो पाश्चुरीकृत दूध होता है। पाश्चुराइज मिल्क मतलब पहले सारा दूध सब इकट्ठा हो गया, उसके बाद में उसको दो बार इस तरह से गर्म करके होमोजेनाइज करके ठंडा करके फिर थैलियों में भरते हैं, जिससे कि कहीं के भी जीवाणु हैं वो गायब हो जाते हैं और स्वच्छ जीवाणु रहित दूध मिलता है। नेक्स्ट है दूध पाउडर, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नाम से ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई लिक्विड चीज नहीं है, कोई ठोस चीज, कोई पाउडर जैसी चीज है। तो मिल्क पाउडर में 97% पानी सुखा दिया जाता है दूध का। दूध का पानी 97% सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में उसमें विटामिन और खनिज लवण उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो उड़ गया है पानी उसके साथ जो विटामिन और खनिज लवण उड़ गए हैं वो उसमें अगेन फोर्टिफिकेशन यानी प्रबलीकरण की क्रिया के द्वारा उसमें समाहित कर दिए जाते हैं। ये किस तरह से पानी सुखा दिया जाता है कि या तो जो दूध के कंटेनर्स होते हैं उनमें गरम गरम रोलर्स हैं वो उसमें डुबो दिए जाते हैं। जैसे ही डुबोते हैं तो पानी जो है वो उड़ जाता है और दूध उन बेलनों पे चिपक जाता है, और जो वो दूध चिपक गया उसको खुरच करके हटा दिया जाता है, फिर उसको पीस लिया जाता है और वो पाउडर बन जाता है। या तो गरम रोलर्स दूध में डुबोए या फिर स्प्रे ड्रायर के द्वारा, मतलब गरम बेलन होते हैं और स्प्रे वाली एक जो मशीन होती है उसमें से दूध निकल के जाली पे आता है और जाली से बेलन पे, गरम बेलन पे, तो जैसे ही उस पे दूध गिरेगा तो वो पानी उड़ जाता है और जो दूध है वो चिपकता जाएगा, और सेम प्रोसेस उसको खुरच के और उसको पीस के और फिर उसको बेलन पे जो चिपक गया उसको खनोच करके पीस करके और फिर पाउडर बना दिया जाता है। लेकिन अगर ये वसा वाला दूध है और अगर हम स्किम मिल्क वाला है, अगर हम उसको गरम रोलर्स पे करेंगे तो स्किम मिल्क वाला पाउडर बनेगा, मतलब वसा रहित दूध पाउडर बनेगा। नेक्स्ट है दही यानी कर्ड। कर्ड जमाने के लिए दूध को दही में परिवर्तित करना पड़ता है, और दूध में जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है, और उसको परिवर्तित करने के लिए एक बैक्टीरिया, अच्छे वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जावन के रूप में हम उसको निवाया मतलब हल्के गर्म दूध में उसको
डाल देते हैं थोड़ा सा। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, और लैक्टिक एसिड में जब वो परिवर्तित होता है तो जो गाढ़ा वाला पार्ट है वो केसीन वाला भाग होता है, और दूध में जो पानी वाला भाग है वो दूध के घुलनशील विटामिन दूध के घुलनशील प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्ट ग्लोब्यूलिन होते हैं। इसलिए जब दही जमता है तो उसके पानी को नहीं फेंकना चाहिए, पानी वाला पार्ट है वो दूध में घुलनशील प्रोटीन है उसमें, और जो थक्के वाला है उसमें केसीन यानी दूध जो दही जो अघुलनशील प्रोटीन है वो होता है। नेक्स्ट है क्रीम। दूध से क्रीम भी बनती है, एक तो इस तरह से कि दूध को गर्म कर दिया, उसके बाद में उसको ठंडा करने के लिए स्थिर कर दिया, जाली ढक दी, तो ऊपर जो है फैट हल्की होती है वसा, तो वो ऊपर आ जाती है और वो मलाई के रूप में वो क्रीम होती है। एक दूसरा जो फ्रूट क्रीम में हम यूज़ करते हैं वो एक प्रोसेस है कि कच्चे दूध को ही आप फ्रिज में रख दो, स्थिर कर दो 12 घंटे 14 घंटे, और फिर बड़े स्टाइल से अगर ऊपर ऊपर की क्रीम को लेते हैं हम तो वो थोड़ी चिकनी सी और थोड़ी मोटी सी, वो ज़्यादा हिलाओगे तो वो हिल जाती है, वो वापस होमोजेनाइज हो जाती है। तो उसको ट्रिक से ऊपर से लेके अलग करते हैं और वो फ्रूट क्रीम में यूज होती है। तो क्रीम जो है वो गर्म और ठंडे दोनों ही दूध से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मक्खन यानी बटर। तो मक्खन और जो बटर जो है वो भी दो तरह से निकाल सकते हैं। दूध की जो मलाई है दूध से भी चर्न करके और एक मक्खन निकल जाता है, या फिर दही में भी अगर हम दही को जमाते हैं उसमें थोड़ी मलाई वगैरह आ जाती है, फिर उसको हम चर्न करते हैं, उसको मथते हैं, तो भी जो मक्खन है मतलब घी जो है वो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। और इस वाले मक्खन में विटामिन ए भी होता है क्योंकि दूध वाला ही है ये पार्ट, तो इसलिए मक्खन को दूध या दही दोनों से ही मक्खन बनाया जाता है। और अगर हम उस दही में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो वो वैसे वाला बटर जो बाजार वाला बटर होता है नमकीन वाला, वैसा मक्खन हमको मिल सकता है। फिर है नेक्स्ट घी। घी जो है वो अभी जो हमने गरम दूध से स्थिर करके जो मलाई में इकट्ठी की मतलब क्रीम, तो उस क्रीम को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका पानी उड़ जाता है, और पानी उड़ने के बाद में जो बचता है वो घी नामक पदार्थ बचता है, एक चिकना पदार्थ, चिकना मतलब चिकनाहट वाला यानी फैट। तो घी जो है वो क्रीम को गर्म करके पानी को उड़ा के फिर बनाया जाता है। नेक्स्ट है पनीर या छेना। पनीर या छेना दूध को गर्म करके बनाया जाता है। दूध को गर्म करके उसमें नींबू या कोई भी साइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया, साइट्रिक एसिड डालने से वो फट जाता है, दो पार्ट हो जाते हैं उसके, दूध में घुलनशील प्रोटीन और अघुलनशील प्रोटीन। तो जो अघुलनशील प्रोटीन है केसीन वो तो पनीर बन जाता है, वो तो ऊपर मतलब टोकरी या कपड़ा या छलनी में रह जाता है, और जो पानी वाला भाग है वो अलग हट जाता है, तो वो कपड़े से छान लेते हैं तो ऊपर वाला भाग पनीर या छेना हो जाता है। नेक्स्ट है चीज़। चीज़ जो होता है वो इस छेना से ही बनाया जा सकता है। छेना को बना लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है, नमक डाल के उसको मिक्स किया जाता है, पीस दिया जाता है, मतलब मिक्सिंग हो जाती है उसकी, मिक्सिंग करके और सांचों में रखा जाता है, सांचों में रख के ऊपर से प्रेस किया जाता है, मतलब उसको दबाया जाता है, और दबाने से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है, और उसके बाद जो बनता है वो चीज़ बन जाता है, मतलब पनीर का ही एक पार्ट है लेकिन पनीर में नमक डाला हुआ है, नमक डाल के उसको मिक्स किया हुआ है, फिर एक्स्ट्रा पानी सारा निकाला हुआ है, तो वो बिल्कुल हार्ड जो है वो खट्टा सा नमक वाला चीज़ बन जाता है। और लास्ट है मावा या खोआ। मावा या खोआ भी दूध से बनाया जाता है। दूध को खूब गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, उबाल उबाल के थोड़ा लंबे समय तक गर्म करके उसका पानी उड़ा दिया जाता है, और उससे फिर गाढ़ा मीठा पदार्थ मावा बन जाता है। तो अभी जो लेक्चर में मैंने लिया वो दूध और दूध से बने पदार्थ, तो दूध के कॉम्पोजिशन जो था संगठन वो पिछली बार पढ़ा दिया था, और दूध के पदार्थ ये सब हैं, संपूर्ण दूध जिसमें दूध के सारे कॉम्पोजिट्स जैसे प्राकृतिक होते हैं वैसा रहता है। वसा रहित दूध में हम उसकी वसा को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, 0.05 से लेके 0.1% तक ही फैट रखा जाता है, उसको स्किम मिल्क कहते हैं।
टोंड मिल्क में, स्किम मिल्क में इतना भैंस का दूध मिलाते हैं कि या तो 3% वसा और 8.5% सॉलिड हो तो उसे टोंड मिल्क, और अगर डबल टोंड बनाना है तो सॉलिड्स तो 9% और वसा 1.5% ही रहनी चाहिए, उतना ही भैंस का दूध हम मिलाते हैं स्किम मिल्क में, तो वो टोंड मिल्क यानी परिष्कृत दूध कहलाता है। फिर है वाष्पीकृत दूध, इवेपरेटेड मिल्क। इवेपरेटेड में पूरा जो 3/4 पानी है वो पानी दूध से हटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, फिर उसमें विटामिन डी का प्रबलीकरण किया जाता है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन करने के बाद उसको मिक्स किया जाता है, होमोजनाइज। फिर उसको 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, वो निसंक्रामित हो जाता है, सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, फिर ठंडा करके डिब्बे में भरा जाता है। गाढ़ा मीठा दूध, कंडेंस मिल्क में पानी पूरा उड़ा दिया जाता है दूध का, और उसके बाद में वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, लेकिन उसको कई दिनों तक रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें 40% शुगर यानी 40% शक्कर मिलाई जाती है, और फिर उसमें विटामिन डी मिला के और वो पौष्टिक बनता है, और उसको डिब्बे में भर दिया जाता है, उससे व्यंजन वगैरह बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पाश्चुराइज्ड मिल्क। पाश्चुराइज्ड मिल्क इसलिए बनाया जाता है कि जगह जगह से जो दूध आ रहे हैं वो किसी हाथ के कारण, बर्तन के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, जानवर के कारण, किसी भी कारण से उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया को हटाने के लिए, सारे जीवाणुओं को हटाने के लिए, स्वच्छ जीवाणु रहित दूध बनाने के लिए हमको उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है दूध को, फिर उसको मिक्स किया जाता है, होमोजेनाइज यानी समांगीकरण किया जाता है, और फिर थैलियों में भर दिया जाता है। जो डेयरी मिल्क जो हम लेके आते हैं डेयरियों से, डेयरी बूथ से, वो पास्चुराइज मिल्क होता है, गर्म करके, ठंडा करके भरा हुआ। फिर है दूध पाउडर यानी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में 97% पानी जो है दूध का वो उड़ा दिया जाता है उसको, और उसके बाद उसमें विटामिन और खनिज लवण मिला दिए जाते हैं। उड़ाने के लिए या तो गर्म दूध में जो गर्म गर्म बेलन्स होते हैं, रोलर्स, उन रोलर्स को डाला जाता है, या फिर उन रोलर के ऊपर स्प्रे ड्रायर से दूध छिड़कते हैं, या तो छिड़काव विधि स्प्रे ड्रायर या फिर रोलर विधि। तो उन रोलर्स पे जब दूध चिपक गया तो दूध को खुरच लिया जाता है, फिर उसको पीस लिया जाता है मिक्स करके, और फिर छान के पाउडर बना लिया जाता है। और अगर स्किम मिल्क के स्प्रे करके बनाएंगे तो वसा रहित दूध पाउडर बनेगा। उसके बाद में है दही यानी कर्ड। दूध में लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और लैक्टोज अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है यानी परिवर्तित होता है तो दही जमना कहते हैं। तो दूध के कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया लैक्टोज पर क्रिया करते हैं और उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, और उसको हम दही कहते हैं। कई बार दूध यूं ही पड़ा पड़ा जम जाता है तो वो सही वाला दही नहीं होता, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको हल्का गर्म करना चाहिए दूध को, फिर उसमें जामन लगाना चाहिए। जामन मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अच्छे वाले लाभदायक बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट उसमें डालते हैं, फिर वो बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, पूरा अच्छे से दही बन जाता है। नेक्स्ट है क्रीम। क्रीम के लिए या तो कच्चे दूध को आप स्थिर रख दो फ्रिज में 12-15 घंटे के लिए, और ऊपर से अच्छे से हटा लो तो वो क्रीम होती है जो कि फ्रूट क्रीम वगैरह में काम में ली जाती है, या फिर गरम करके दूध को फिर स्थिर कर दो, मतलब उसको हिलाओ मत, छलनी ढक दो, कपड़ा ढक दो, तो वो जो क्रीम वाला पार्ट है, जो फैट वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, और उस मलाई को हम अलग कर सकते हैं, वो क्रीम होती है। इसी क्रीम को अगर हम गर्म करते हैं, इसका पानी उड़ा देते हैं तो घी बन जाता है। और मक्खन के लिए दूध या दही को जब मथते हैं तो जो मक्खन वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। और पनीर और छेना के लिए जैसे कि दूध को उबाला, और दूध को उबालने के बाद में अगर खट्टा कुछ भी नींबू या साइट्रिक एसिड डालते हैं तो वो दो पार्ट में हो जाता है। एक तो गाढ़ा सा पार्ट हो जाएगा, वो छलनी में ऊपर रह जाएगा, केसीन पार्ट, वो पनीर पार्ट होता है, और दूध का जो दूसरा पानी वाला भाग है वो नीचे चला जाएगा छलनी से, उसमें दूध के घुलनशील प्रोटीन लैक्टिक एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन चले जाते हैं। इसलिए पनीर बनाते समय भी दोनों पार्ट काम में लेने चाहिए, खाने चाहिए। उसके बाद में है चीज़। तो ये जो पनीर बना उसी में ही थोड़ा नमक डाल
डाल के उसको मिक्स करके पीस करके और फिर सांचों में डाल के उसको अच्छे से दबाया जाता है, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है। एक्स्ट्रा पानी निकलने के बाद में जो पीसेस बनते हैं वो चीज़ के पीसेस होते हैं। और लास्ट है मावा, दूध को गर्म किया जाता है, बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसका बहुत सारा पानी निकल जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है पानी उड़ने के बाद में, और वो जो गाढ़ा होता है वो मावा या खोआ कहलाता है। तो इस तरह से ये दूध और दूध से बने पदार्थ आज लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।